हेलो नमस्कार, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि आप टारगेट गुरुकुल के प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। अगर आप इस बार बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम देने की सोच रहे हैं और अगर अभी तक आपको नहीं पता है कि आप यूपी बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म कब आएगा, कब एग्जाम होता है, क्या सिलेबस रहता है, क्या पैटर्न रहता है, क्या क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन रहते हैं, किस लेवल के क्वेश्चन रहते हैं, इन सभी चीजों के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है और आप इन चीजों की जानकारी को इकट्ठा करना चाहते हैं या फिर आप बीएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आपके मन में डाउट है, तो सर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बता दीजिए जहां पर बीएससी नर्सिंग की प्रॉपर क्लासेस हो, प्रॉपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट नोट्स, एमसीक्यू प्रैक्टिस कराई जाती हो, आपको ऐसा कोई प्लेटफॉर्म बता दिया जाए। तो जी हाँ, आप बहुत सही प्लेटफॉर्म पे है जिसका नाम है टारगेट गुरुकुल। टारगेट गुरुकुल लेकर के आया आप सभी लोगों के लिए बीएससी नर्सिंग 2024 के एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन, जो कि आपको यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी की पूरी दी जाएगी, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, साथ ही साथ में और भी अगर आपके सब्जेक्ट है वो भी। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप बीएससी नर्सिंग 2024 की तैयारी कैसे कर सकते हो, कैसे होगा एडमिशन, कैसे करें तैयारी, इस बारे में डिटेल चर्चा होने वाली। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा क्योंकि आपको सारी जानकारी ए टू जेड तक यहाँ पर मिलने वाली है। देखो, अगर हम बात करें कैसे होगा एडमिशन बीएससी नर्सिंग 2024 में, देखो बेटा, अगर आप बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हो, यानी कि अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो, यूपी में हैं आप, तो यूपी बीएससी नर्सिंग करने के लिए आपको एक छोटे से एग्जाम से गुजर करके जाना पड़ेगा। जैसे आपको अगर डॉक्टर बनना है तो आपको नीट का एग्जाम देना पड़ता है, उसी प्रकार से अगर आपको नर्सिंग का कोर्स करना है तो आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा जिसका नाम है यूपी बीएससी नर्सिंग। मैं यहाँ पे सिर्फ यूपी की बात कर रहा हूँ, यूपी बीएससी नर्सिंग। अब यूपी बीएससी नर्सिंग जो है ये एक अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी करके यूनिवर्सिटी है, वो इस एग्जाम को कंडक्ट कराती है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट लोगों के लिए क्राइटेरिया है कि अगर आप 12th पास आउट हैं तो आप ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, बहुत सारी एलिजिबिलिटीज है। हम देखते हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटीज हैं और देखो क्या 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 एलिजिबिलिटीज। अगर हम एलिजिबिलिटीज योग्यताएं की बात करें कि अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो आपके अंदर क्या एलिजिबिलिटी, क्या योग्यता होनी चाहिए ताकि आप बीएससी नर्सिंग का फॉर्म भर सके, क्या ये सारी डिटेल्स हम चर्चा करेंगे। योग्यता के ऊपर आपकी एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, डेट कब आएगा फॉर्म का और एग्जाम डेट कब होगी और तैयारी कैसे करना है वो भी बताएंगे। इससे पहले एक जानकारी है मैं बता दूं, अगर आप बीएससी नर्सिंग 2024 की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें ताकि आपको समय समय पर अपडेट्स मिल सके। उसमें आपको ये भी बताया जाएगा कि कब से हमारी क्लासेस स्टार्ट होने वाली, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, आप उसे ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलें। देखो, अगर हम योग्यता की बात करें तो आपको 12th पास आउट होना जरूरी है, क्या आपको 12th पास आउट होना जरूरी है, यानी कि देखो जरूरी नहीं है, क्या जरूरी नहीं है कि आप 12th पास आउट ही हो, लेकिन आप 11th पास होने चाहिए, यानी कि आप 11th पास ऑलरेडी कर चुके हैं और इस साल 2023 चल रहा है, 23 में आप इंटर में हैं तो भी आप एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो। इसे हम बोलते हैं 12th अपीयरिंग, यानी कि अगर आप आर्मी में पढ़ रहे हैं अभी और बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम देने वाले तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के दे सकते हैं, ठीक। और जो लोग कर चुके हैं 12th पास आउट वो तो बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको डाउट आता है कि सर मैं लड़का हूँ क्या मैं बीएससी नर्सिंग दे सकता हूँ। मैंने देखा है लोगों का अक्सर ऐसी बातें करती हूँ कि नर्सिंग सिर्फ लड़कियां करती हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नर्सिंग का मतलब होता है देखभाल, केयर करना, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, ये काम को दोनों कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग जो है ये लड़का और लड़की दोनों के लिए होता है, क्या बॉयज एज वेल एज गर्ल्स, दोनों टाइप के लोगों के लिए, दोनों जेंडर्स के लिए होता है, कोई भी इसमें से अप्लाई कर दे सकता है। अगर हम एज की बात करें तो मिनिमम एज 17 ईयर्स है, कितना 17 ईयर्स मिनिमम है, और मैक्सिमम की बात करें अप टू ये 35 ईयर्स तक चली जाती है, क्या 35 ईयर्स तक ये मैक्सिमम चली जाती है। अगर आप 17 से 35 वर्षों के बीच में हैं तो आप इस फॉर्म को भरने के योग्य हैं, काबिल हैं, ठीक है। साथ में अगर हम फॉर्म डेट की बात करें तो आपका फॉर्म की जो डेट है वो अप्रैल माह में आता है, कब, अप्रैल से मई के माह में आ जाता है, अप्रैल या मई माह में पूर्णता आ जाता है। अगर हम एग्जाम डेट की बात करें तो एक महीने के गैप में, जैसे कि अगर अप्रैल में आता है तो आपका मई में एग्जाम हो जाता है, और अगर मई में आपका फॉर्म आता है तो ये जून में एग्जाम हो जाता है। ये थोड़ा सा वेरिएबल होता है, मई और जून के महीने में इसका पेपर होता है। अब हम बात करेंगे कि क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं, क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, कैसे पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है, बेहतरीन तरीके से क्या पढ़ाई होगी, किस रूटीन को आपको फॉलो करना है, 6 महीने बच्चे यहाँ पढ़ाई कर पाओगे नहीं कर पाओगे, सेल्फ स्टडी से क्या हो पाएगी, सारी चीज़ हम जानने वाले हैं इसी वीडियो में। आगे हम देखेंगे अगले पेज को, अगले पेज पर देखेंगे आपको यहाँ पे मिलेगा क्या मिलेगा। देखो,
अगर यहाँ पे सब्जेक्ट की अगर हम बात कर लें, किसकी बात करें, अगर यूपीबीएससी नर्सिंग एबीबीएमयू से करना है आपको, पेपर पैटर्न जानेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट देखेंगे, तो आप देखोगे आपको यहाँ पे 11th एंड 12th एनसीईआरटी हिंदी प्लस इंग्लिश लिखा है। अगर हम इस लाइन का मतलब जाने तो देखो, जब भी अपना यूनिवर्सिटी, ये अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, जब भी अपना ब्राउजर रिलीज करती है उसमें लिखती है कि हम अपना एंट्रेंस एग्जामिनेशन कक्षा 12वीं की किताबों से, कक्षा 12वीं की लेवल पे कराते हैं, ठीक है। यानी कि वो बताती है कि कक्षा 12वीं की प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे एनसीईआरटी के पेपर पैटर्न पे, ठीक है। लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो कक्षा 11वीं से जुड़े हुए होते हैं, चाहे बायो के हो, फिजिक्स के हो, केमिस्ट्री के हो, वो कक्षा 11वीं से भी आते हैं। तो बच्चे ऐसा बिल्कुल भी ना करें कि आप सिर्फ 12वीं पढ़ के जाएं और 11वीं ना पढ़ के जाएं। कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं जिन्हें आपके वो 11वीं के पढ़ के जाने पड़ते हैं, जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी, उसके बिना आप नर्सिंग के एग्जाम देने कैसे जा सकते हो, जा ही नहीं सकते हो। तो आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी लाइक ऐसे चैप्टर फिजिक्स में भी है, ऐसे केमिस्ट्री में भी है, ऐसे जूलॉजी में है, ऐसे बॉटनी में है, तो उन सबको भी आपको पढ़ के जाना है, ठीक। और देखो यहाँ पे आपको फिजिक्स पढ़ने को मिलेगा। अब देखो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम को माजरा क्या समझ लो, देखो इस एग्जाम को चाहे आप हिंदी मीडियम से हो, यूपी बोर्ड से, या फिर इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड से, या फिर आईसीएसई बोर्ड से, आप बिल्कुल दे सकते हैं। एक माजरा ये फंसता है, बहुत सारे लोग को कंफ्यूजन है, पेपर हिंदी में आता है, इंग्लिश में आता है, दोनों भाषाओं में आता है। देखो बच्चों, अभी तक क्या है, अभी तक पेपर मात्र अंग्रेजी माध्यम में ही आता रहा है, लेकिन इस बार संभावना है कि पेपर आपका बायलिंगुअल यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आता रहा है। इसी प्रकार की जानकारी, जैसे मैंने बताया ना, हिंदी और इंग्लिश में दोनों आने की संभावना है, ये कंफर्मेशन है। इसी प्रकार की अधिक आपको जानकारियां मिल सके, आप नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपको अगर अपडेटेड रहना ही पड़ेगा अगर आप एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हो, कब फॉर्म आया, कब नहीं आया, इन सभी चीजों की जानकारियां समय पर समय आपको वहां पर मिलती रहेंगी। देखो केमिस्ट्री पढ़ने को मिलेगी, बायोलॉजी पढ़ने को मिलेगी, नर्सिंग एप्टीट्यूड, नर्सिंग एप्टीट्यूड का बच्चों ने नाम तक नहीं सुना होता कि नर्सिंग एप्टीट्यूड क्या होता है, कैसे पढ़ना है, कितने प्रश्न आते हैं, उनके बारे में जीरो नॉलेज होती है। कहाँ से पढ़ने को मिलेगा, टारगेट गुरुकुल आपको पढ़ाएगा नर्सिंग एप्टीट्यूड क्या होता है, और बीएससी नर्सिंग के लिए फिजिक्स क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, केमिस्ट्री कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, बायोलॉजी कैसे पढ़ें, वो क्या पढ़ें, वो सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराए जाएंगे टारगेट गुरुकुल के यूट्यूब पे। जीके और इंग्लिश भी आपको पढ़नी पड़ेगी। यहाँ पे अगर हम बात करें कि फिजिक्स में कितने क्वेश्चन आते हैं, तो याद रखना फिजिक्स में 40 क्वेश्चन आते हैं। देखो ये जानने से पहले देखो टोटल क्वेश्चन देख लेते हैं, टोटल क्वेश्चन आपके एग्जाम में 200 आएंगे, कितने 200, पेपर एमसीक्यू पैटर्न पे होगा कि रिटर्न होगा, तो याद रखो पेपर एमसीक्यू पैटर्न पे होगा, यानी कि आपको एक प्रश्न दिया जाएगा, चार उसके ऑप्शन होंगे, सही वाले पे आपको निशान लगाना है। और देखो आपका जो है पेपर वो कक्षा 11वीं और 12वीं की एनसीईआरटी से ही आएगा, यानी कि अगर आपको पढ़ना है बीएससी नर्सिंग के लिए तो कक्षा 11वीं और 12वीं की एनसीईआरटी की किताबें आपके पास होना अनिवार्य है। अब यहाँ पे देखो फिजिक्स के आपके आएंगे 40 प्रश्न, कितने 40, केमिस्ट्री के 40 प्रश्न आएंगे, बायोलॉजी के 40 प्रश्न आएंगे, और आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड के भी 40 प्रश्न आएंगे, और इंग्लिश प्लस जीके को 20+20 कर लेंगे, 40 प्रश्न आएंगे, टोटल हो जाएंगे कितने 200 प्रश्न। बच्चों के मन में ये भी डाउट होता है कि 200 प्रश्न है, चलो वो ठीक है, एक प्रश्न कितने नंबर का होता है, यानी टोटल पेपर कितने नंबर का होता है, तो बच्चों मैं बता दूं आपको कि एक प्रश्न एक नंबर का होता है और 200 प्रश्न 200 नंबर के होते हैं, यानी आपका 200 नंबर का पेपर होगा, 200 क्वेश्चन आएंगे और 3 घंटे आपको समय मिलेगा करने के लिए। सामान्यतः 3 घंटे का समय दिया जाता है, कभी कभी घटता बढ़ता भी रहता है, समय के अनुसार वो चीजें आपको बता दी जाएंगी। इसी तरीके की अपडेटेड रहने के लिए आप टारगेट गुरुकुल का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसे ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। और अगली अगर हम बात करें, क्या अगली हम बात करें, आपको प्रिपरेशन कहाँ से करनी है, कैसे करनी है, कि कितने घंटा पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना, अगर हम उस पर बात करें, देखो बेटा ये नीट के बाद, क्या नीट के बाद दूसरा मेडिकल का सबसे अच्छा कोर्स माना जाता है बीएससी नर्सिंग। अगर इसमें आपको बोला जाए कि 6 महीने मेहनत से पढ़ लो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो बिल्कुल 6 महीने अगर आप मन लगा करके, जी जान लगा कर पढ़ोगे, तो आपको एक बहुत अच्छा रेपुटेड गवर्नमेंट कॉलेज यूपी का मिल जाएगा। क्या करेगा, मिल जाएगा, जिसमें फायदे देखो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के क्या फायदे होते हैं। मैं बता दूं कि गवर्नमेंट, आपको पता होगी कि मेडिकल कॉलेजेस की फीस लाखों में होती है प्राइवेट में, और वहीं पर अगर आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलता है तो वहां पर फीस हजारों में, और लगती भी है तो बहुत कम लगती है, क्या बहुत कम लगती है, उसके साथ आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, बहुत सारे हॉस्टल, अच्छी किताबें, अच्छी लाइब्रेरी, अच्छा एनवायरनमेंट, ये सारी चीज़ें आपको एक सरकारी विश्वविद्यालय यानी कि सरकारी मेडिकल कॉलेज हम उसे बोल देंगे वो प्रोवाइड कराता है। यही सब सारी चीज़ें होती हैं कि क्यों हमें गवर्नमेंट की तरफ जाना चाहिए, क्यों प्राइवेट की तरफ नहीं जाना चाहिए। अब जिनके पास पैसा है वो जा सकते हैं, लेकिन मिडिल क्लास के बच्चे क्या करें, जिनके माँ बाप थोड़े गरीब हैं, जो खुद गरीब हैं, जो इनके पास इतना पैसा नहीं है, वो प्राइवेट कॉलेज से कर पाए,
अब देखो बात रही कि तैयारी हम कहाँ से करें, अगर हम इस चीज की बात करें तैयारी कहाँ से करें, तो बच्चों मैं आपको बता दूं टारगेट गुरुकुल आपको बीएससी नर्सिंग 2024 की पूरी तैयारी कराने वाला। इस चीज से बिल्कुल निश्चिंत रहो कि पैसा लगेगा नहीं रहेगा वो बात की बातें हैं। अगर आपको बीएससी नर्सिंग 2024 की तैयारी करना है तो टारगेट गुरुकुल के साथ आज ही जुड़ जाओ, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और उसके बाद फिर भी कोई दिक्कत परेशानी आती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां जुड़ जाओ और एडमिन से क्वेश्चन आस्क करो, आपको क्वेश्चन का आंसर जरूर मिलेगा। तब तक के लिए पढ़ते रहें, बाय बाय।